अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शंस के ऑर्डर पढ़े थे, यानी हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? जब आप फ्रैक्शन को दो एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी किसी एक नंबर से आप न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करें और उसका डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करें, यानी जिस नंबर को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें उसी नंबर को आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसको सॉल्व करने के लिए चलें, अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। तो जल्दी से आप लोग आ जाएं पेज नंबर 117 पर। जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 117 ओपन करें और देखें इसका क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले तो आप लोग इस पेज पे आज की डेट डालें। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कंप्लीट द फॉलोइंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब आप वो क्या कह रहे हैं कि आप इनको कंप्लीट करें और एक आपको करके बताया हुआ है। यानी अब आप इसका ये वाला देख रहे हो, इसमें क्या है, इन्होंने बता दिया आपने टू से मल्टीप्लाई करना है। तो टू को वन से मल्टीप्लाई किया, टू वन ज़ा टू, टू को टू से, टू टू ज़ा फोर। ठीक है, इसी तरह से आप ये देखें फ्रैक्शन क्या है, वन अपॉन थ्री। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करना है। तो थ्री वन ज़ा थ्री, ठीक है, थ्री थ्री ज़ा नाइन। तो फ्रैक्शन क्या बनी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसकी? थ्री अपॉन नाइन। ठीक है बेटा, तो अब जल्दी से इसी तरह से आप लोग बाकी सारे क्वेश्चन इसके कंप्लीट करें, नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और इनकी फिर फ्रैक्शन लिखें। ठीक है, फिर इसके बाद अगेन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें इन्होंने क्या कहा है, लुक एट दीज फ्रैक्शन टेबल्स देन कंप्लीट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब वो आपको कह रहे हैं कि आप इस टेबल को देखते हुए आप इन फ्रैक्शंस को कंप्लीट करें। ठीक है, अब वन थर्ड, एक सिंगल वन थर्ड जो है वो किसके बराबर है? टू सिक्स के। ठीक है, अब फोर सिक्स किसके बराबर होंगे? अब देखें फोर सिक्स किसके बराबर होंगे। अब आपको इस टेबल को देखते हैं, वन थर्ड था तो एक सिंपल एक जो वन थर्ड है उसमें कितने वन सिक्स आ रहे हैं? टू वन सिक्स आ रहे हैं। तो हमने इसको क्या लिखा? टू अपॉन सिक्स। अब वो आपसे बोल रहे हैं नेक्स्ट है आपका फोर अपॉन सिक्स। अब आपने देखने हैं वन सिक्स कितने? फोर। ठीक है, वन सिक्स आपने देखने हैं फोर। तो अब काउंट करें, वन टू थ्री फोर। तो इन फोर वन सिक्स के अंदर थर्ड आ रहे हैं, यानी थर्ड कितने आ रहे हैं? वन टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू। ठीक है, टू वन थर्ड आ रहे थे तो हमने लिखा टू थर्ड। ठीक है, अब इसी तरह ये टू थर्ड बोल रहे हैं, यानी वन थर्ड हम कितने ले रहे हैं? टू, वन टू। अब इसमें सिक्स कितने आ रहे हैं? वन टू थ्री फोर, फोर सिक्स आ रहे हैं। तो वन सिक्स कितने आ रहे हैं? फोर। तो हमने यहाँ लिखा फोर अपॉन सिक्स। फोर वन सिक्स का मतलब फोर अपॉन सिक्स। ठीक है, ऐसे ही आपका वो क्या कह रहे हैं, सिक्स अपॉन सिक्स, यानी सिक्स कितने? वन सिक्स कितने? सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो कितने वन थर्ड आए इसमें? वन टू थ्री। कितने वन थर्ड आए इसमें? फोर सिक्स वन सिक्स में फोर थ्री वन थर्ड। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएंगे? थ्री अपॉन थ्री। ठीक है, अब आपको समझ आइए किस तरह से किया। अब जल्दी से आप इसके बाकी के पार्ट सॉल्व करें। ठीक है, तो आज आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पेज नंबर 117 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बुक में ही अपनी सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।